हेलो फ्रेंड्स तो इन आर लास्ट क्लास वी हैव स्टडिड द बेजिक आइडिया ऑफ मैनेजमेंट राइट मैनेजमेंट बेजिक बेसिकली लेम इन लैंग्वेज में क्या है वो हमने ऑलरेडी पढ़ दिया पढ़ लिया है इन आर लास्ट क्लास बेसिक आइडिया हमें है हमने डोमिनोज का एग्जाम्पल भी देख लिया है हमें एग्जैक्टली exactly, पता तो है ही कि भाई हाँ मोर देन वन पर्सन हैज़ टू बी देयर प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ हैज़ टू बी देयर प्रॉपर प्लानिंग नीड्स टू बी देयर देर हैज़ टू बी प्रॉपर डायरेक्शन टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड गोल इन अ अस्टमैटिक मैनर ये सब जो मैं बोल रही हूँ वो सब हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख लिया है राइट नाउ इन टूडेज क्लास वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरियस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें समझनी है देर आर डेफिनेशंस रिटर्न इन योर बुक आपकी बुक के पेज नंबर टू पेज नंबर टू पे ये डेफिनेशन दे के रखी है पेज नंबर वन पे दिया है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड देन इन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पार्ट ओनली दे हैव गि थ्री डेफिनेशन राइट ये मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है उसको मैं सिंपल वे में यहाँ पर एक बार रीड आउट कर लेती हूँ आपको उसमें कुछ डिटेल में र रट्टा मारे की ज़रूरत नहीं है राइट मैन इज अ सोशल एनिमल वी ऑल नो ही लिवस इन ग्रुप्स डेफिनेटली वी ऑल नो ही रिसीव्स कोऑपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव तो ही हो पाएगा ना अदरवाइज कैसे हो पाएगा द टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड मे मैनी राइटर्स हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बोला कि देर आर वेरियस पीपल हु हैव रिटर्न द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट राइट विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन बाय वन सो लेट्स अंडरस्टैंड आई एव रिटर्न ओवर हियर फॉर यू सो दैट मैं आपको बार बार बुक में लेके जाऊं और फिर एक्सप्लेन करूं ऐसा ना हो कंस एन ऑर्डोनल उन लोगों ने क्या डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की इट इज एन आर्ट इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स सिंपल डेफिनेशन उन लोगों ने दे दी और बहुत अच्छे से दी हमें एकदम सीधा दिमाग में बैठ जाए ना एकदम पढ़ते ही वैसी डेफिनेशन है इन लोगों की सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है मैनेजमेंट की इट इज़ एन आर्ट पहली बात तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट सबके बस की नहीं है देर आर सर्टेन पीपल हु डेफिनेटली कैन नॉट मैनेज दे आर मैन टू बी एन एम्प्लॉय डूइंग देयर डेलीगेटेड वर्क ओनली और उसमें कुछ बुरा नहीं है जरूरी नहीं है कि सबको मैनेजमेंट आए राइट देर आर सर्टेन पीपल हु नीड्स अ प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क उनको अगर काम दे दे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली बट समन हैज टू गिव दैम सर्टेन वर्क अगर कोई उनको काम देगा तो वो बंदा अच्छे से कर लेगा पर उसको बोलो कि आप जाके किसी को काम दे के आओ या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करो दैट इज नॉट हिज कप ऑफ टी सो सबसे पहले तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट विच इज नॉट ऑफ एवरी वन कप ऑफ टी राइट सबके पास ये आर्ट नहीं होता कि ये मैनेज कर ले सब कुछ राइट right? आप लोगों की मैं बात करूं मैंने आप लोगों का एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम वाला तो जरूरी नहीं है कि आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सारे लोग दस दिन में सात सब्जेक्ट मैनेज कर ही लो देर आर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट मैनेज दे केन मैनेज टू और थ्री सब्जेक्ट they need some more time but they don't understand right so not necessary ki sabke paas ye art ho pehli baat so management is an art right then of getting the things done through others getting getting the things done through others uska matlab आपने कभी ओनर को देखा सारे काम करते हुए मैनेजर को देखा सारे काम करते हुए वो सर्व भी कर रहा है रेस्टोरेंट में वो ऑर्डर भी ले रहा है वो सर्व भी कर रहा है वो अंदर जाके खाना भी बना रहा है वो डिलीवरी बॉय को भी गाइड कर रहा है सब कुछ कर रहा है मैनेजर कभी नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स सबके पास से किस किस वे में काम निकलवाना वो हमें आना चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि वी आर अ गुड मैनेजर वी कैन मैनेज द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे इन एन ईजी वे राइट सो द पर्सन कैन सेट टू बी अ गुड मैनेजमेंट पर्सन ओनली इफ ही इज़ हैविंग अ स्किल टू गेट द थिंग्स डन बाय अदर्स किसी और के पास से काम निकलवाने की अच्छे से अच्छी वे आउट अगर हमें पता है तो वी आर डूइंग अ गुड मैनेजमेंट पार्ट राइट i'll explain this all these three definitions by giving you a recent example of coronavirus जो वर्ल्ड वाइड इतना फैला हुआ है इतना फैला हुआ है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द सेम डिफिकल्ट हो गया है उसको कंट्रोल करना राइट right? ये तीन तीन डेफिनेशन है सबसे पहले तो जैसे मैंने कुंसन ऑर्डोनल की डेफिनेशन पढ़ी वैसे ही आई राइट आई सॉरी आई एल रीड दिस लिविंगस्टन एंड जॉर्ज टेरिस डेफिनेशन एज वेल सबसे पहले मैं ये दोनों डेफिनेशन पढ़ूंगी आई एक्सप्लेन इन अ रफ वे एंड देन आई एल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस थ्री डेफिनेशन बाय गिविंग यू अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ द रिसेंट टाइम्स राइट Let's first read this definition. Livingston, you can read this definition from your textbook also, हाँ। huh? I have uh, the written definitions over here. You can read it from your textbook. Livingston क्या बोल रहा है हमें? Kuntz and Ordinal ने तो बहुत अच्छे से definition दे दी तो हो गया अपना काम, right? पर Livingston कुछ अच्छा बड़ा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? Let's understand. It is a function. Management is a function of achieving. प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव भाई हमें पता है हम लोगों ने है ना बेसिक पढ़ लिया है तो हमें आइडिया है ही प्री डिटर्माइंड ऑब्जेक्टिव किससे बोलेंगे राइट ऑफ अ बिजनेस यूनिट विथ द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करना एज वेल एज बाई मेकिंग एफिशियंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जितना है उतने में ही चार डिलीवरी बॉयज है मेरे पास तो उतने में ही मैं मेरे सारे ऑर्डर्स को कैसे ख़त्म करूँ वो मुझे सोचना है विद इन मिनिमम टाइम बाय मिनिमम कॉस्ट विथ द अवेलेबल रिसोर्सेज गिविंग द मैक्सिमम आउटपुट दैट आई कैन गिव द बेस्ट आउटपुट दैट आई कैन गिव राइट देन ये तो लिविंगस्टन ने बोला फिर जॉर्ज टेरी क्या बोल रहे हैं इट इज़ सच अ प्रोसेस सी कुंजन ऑडोनल ने बोला ये आर्ट है फिर लिविंगस्टन ने बोला ये फंक्शन है और जॉर्ज आर टेरी क्या बोल रहे है? ये प्रोसेस है अल्टीमेटली हमें पता है करेक्ट कि ये आर्ट भी है फंक्शन भी है और प्रोसेस भी है वी ऑल नो अगर आपने वो अगले वाला सेशन बेसिक सेशन अच्छे से समझा है तो यू ऑल नो दिस थिंग्स ऑलरेडी मुझे सिर्फ एग्जाम्पल देके क्लियर करवाना है बाकी आपको ऑलरेडी आइडिया है ही कि मैनेजमेंट क्या है राइट विच प्लान एंड कंट्रोल्स विच प्लान एंड कंट्रोल्स वो भी हमें पता है भाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वाला पार्ट ऑलरेडी हमने देख लिया है मैन मशीन मटीरियल मैन मशीन मटीरियल मैथड मनी एंड मार्केट मैन मशीन मटीरियल मैथड मनी एंड मार्केट सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे नो नीड टू गेट पैनिक राइट इट प्रोवाइड्स लीडरशिप कोऑर्डिनेशन एंड डिरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव यानी अगेन प्री डिटर्मेंट ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसको अचीव करने के लिए ये हेल्प कर रहा है कैसे एक प्रॉपर लीडरशिप से करेक्ट ये सब यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है लिविंगस्टन ने कुछ बताया जॉर्ज आरटेरी ने कुछ बताया ये जो भी बताया ना लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल थिंग विथ एन एग्जाम्पल एक अच्छे से एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझे और अभी एक्चुअल में जो हो रहा है मार्केट में जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉर ऑल हम किस तरीके से इसको ओवरकम कर पाएंगे वो हमें कोई आइडिया ही नहीं है वो चीज़ का हम एग्जाम्पल लेंगे अब यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ मिनट कोरोना कोविड नाइन्टीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम तो आपको एग्जैक्टली exactly आइडिया आएगा करेक्ट कि हम क्या करने वाले हैं इसमें

हमें क्या बोला इट इज अ फंक्शन राइट इट इज अ फंक्शन फंक्शन ऑफ फंक्शनिंग यहाँ पे कोरोना में फंक्शनिंग को मैं कैसे रिलेट करूँ सिंपल सी बात है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग यहाँ पे कौन कौन फंक्शन कर रहा है एज ऑफ नाउ फंक्शनिंग ऑफ होम कौन कौन फंक्शन कर रहा है अभी हमारे देश में इसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए Workers, health workers are there. Police department is working damn hard. NGOs are working in a super way. There are so many people working just and just to stop the spread of this disease, right? This virus, right? So, functioning of many people like health workers, doctors, पुलिस एन जी ओज एंड मोस्ट ऑफ ऑल वॉट द गवर्मेंट इज डिमांडिंग गवर्नमेंट भी काम तो कर ही रही है बेचारी बहुत अच्छा काम कर रही है बट गवर्नमेंट इज डिमांडिंग वॉट फ्रॉम होम गवर्नमेंट इज़ डिमांडिंग फ्रॉम पब्लिक कि भाई प्लीज आप लोग घर पे रहिए सेफ रहिए तभी जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे करेक्ट सो so ये सभी लोग एक साथ मिलकर क्या कर रहे फंक्शनिंग कर रहे फंक्शन कर रहे करेक्ट ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमेंट ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमेंट ऑब्जेक्टिव मानी क्या उन लोगों को क्या अचीव करना है वॉट इज द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ओवर योर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इज वॉट It is stop spreading the virus. The predetermined objective is to stop spreading the virus. I cannot say Kako khatam karna is the predetermined objective, because the researchers are also working in this functioning wala part. to develop a vaccine, right? एवरी वन इज डूइंग देर जॉब इन अ ड्रिमांडज वे राइट बट द फर्स्ट प्री डिटर्मिट ऑब्जेक्टिव इज वॉट जस्ट टू स्टॉप इट ये डिजीज को स्प्रेड होने से हम स्टॉप कर दें सबसे पहले तो ये वायरस को सॉरी नॉट डिस इट इज अ वायरस ये वायरस को स्टॉप कर दें हम स्प्रेड होने से हमारा फर्स्ट फॉल ऑब्जेक्टिव इज टू स्टॉप दिस वायरस बाय स्प्रेडिंग राइट ऑफ अ बिजनेस यूनिट ह्यूर वी आर टेकिंग इट एज अ कंट्री होल विद द यूज़ ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट का तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट अगर आपको पता हो तो इंडिया में कम से कम केसेस केसेसर देर और हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से ये वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशन्स ले लिए हैं जब से पता चला है कि ये वायरस इस तरीके से फैलता है दिस आर द चांसेस इस तरीके से सब हो रहा है तो हमारे पीएम ने बहुत अच्छे से हमें गाइड करा है कि हम कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में इससे कैसे ओवरकम हो सकते हैं मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट में मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, तो द थिंग इज़ लॉकडाउन इज़ देयर जस्ट एंड जस्ट टू अचीव दिस थिंग मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम में उसको स्प्रेड होने से रोक रोकने के लिए ही हमें प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कर दिया है लॉकडाउन दे दिया है करेक्ट लॉकडाउन है उसकी वजह से ये स्प्रेड होने से रुक रहा है थोड़ा बहुत भी चलो देर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट इवन लिसनिंग और फिर पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं वो लोग उसके बारे में नो वन टू कमेंट अपॉन पर लॉकडाउन दिया ही है इसलिए कि हम लोग घर पे रहे और उसको स्प्रेड होने से रुके देन देर इज मिनिमम कॉस्ट वाला पॉइंट मिनिमम कॉस्ट कैसे तो मैं आप लोगों ने न्यूज़ अगर देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने रेलवे कंपार्टमेंट्स जो है ना वहाँ पे एक प्रॉपर हॉस्पिटल जैसा फ़ैसिलिटी दिया है रेलवे कंपार्टमेंट को दे हैव टर्नड इनटू अ कोविड नाइनटीन जोन कि वहाँ पे किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वी कैन गो देर वहाँ पे वो लोग प्रॉपर वेंटिलेटर्स आर देर प्रॉपर फैसिलिटीज आर देर हॉस्पिटल फैसिलिटीज आर देर इन रेलवे बोगीज रेलवे कंपार्टमेंट्स रेलवे अभी काम नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को भी अच्छे से प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने के लिए रेलवे कंपार्टमेंट में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है करेक्ट सो दिस इज़ मिनिमम टाइम में हम उसको रोकेंगे मिनिमम कॉस्ट में हम इससे ओवरकम होंगे करेक्ट देन एज वेल एज बाई मेकिंग एफिशियंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस जितने रिसोर्सेज हैं हमें उतने में ही काम चलाना है सी इंडिया इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन राइट तो वी कैन नेवर से जितनी पॉपुलेशन है उतने सेम हॉस्पिटल होंगे या उतने सेम वेंटिलेटर्स फैसिलिटीज़ विल भी देयर वी कैन नेवर से सो ना अपनी अपना देश डेवलपिंग कंट्री है इतना डेवलप्ड नहीं है जितना यूएस है फिर भी आज हम देखें तो यूएस से वी आर इन अ बेटर पोजीशन द ओनली थिंग द ओनली रीजन इज वी आर डूइंग द एफिशिएंट यूज एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जितने हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसका बेस्ट यूज़ कर रहे हैं एकदम बेस्ट प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तब जाके ये जो वायरस है वो स्प्रेड होने से थोड़ा बहुत भी रुक रहा है थोड़ा बहुत भी स्प्रेड होने से कम हो रहा है करेक्ट सो दिस वे

परफॉर्म कर रहे हैं ना इसीलिए हम बच रहे हैं अदरवाइज हमारी भी हालत बुरी हो सकती थी पर वी आर मैनेजिंग इट इन अ ट्रमेंडस वे विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर बट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स हेल्प द डिफरेंट वेरियस पार्टी ऑपोजिशन पार्टीज हेल्प एज वेल एज पुलिस मैन हु आर डूइंग सुपर जॉब डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स ईच एंड एवरी वन हु आर एटलीस्ट लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग कि हमें इसको स्प्रेड होने से रोकना ही पड़ेगा वो सभी लोग इसमें ट्रिमेंडस जॉब कर रहे हैं ठीक है चलो कौन से नॉर एल का तो पता चल गया कि ये आर्ट ही है तो थिंक गेटिंग द थिंग्स डन प्राइम मिनिस्टर जी खुद नहीं जा रहे हैं ना हर जगह पर सबको रोकने के लिए ही इज डूइंग वॉट गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स सबको बोल रहे हैं इस तरीके से गाइड कर रहे हैं इन सुपर वे टू मोटिवेट दम और सब लोग काम कर रहे हैं करेक्ट सो फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर देन सेकंड डेफिनेशन डेफिनेटली क्लियर हमने अच्छे से एग्जांपल से पढ़ा थर्ड डेफिनेशन जॉर्ज आर टेरीजी क्या बोल रहे हैं इट इज सच अ प्रोसेस डेफिनेटली ये प्रोसेस में ही चल रहा है विच प्लान एंड कंट्रोल्स सी इवन इन आर स्टेट एवरी डे वी सी द न्यूज़ और हमें पता चल रहा है कि हाँ इतना हुआ है ये इतने नंबर्स इंक्रीज हुए हैं वॉट एवर बट द गवर्मेंट इज़ प्लानिंग इन अ प्रॉपर वे कि हमें ये जो हॉटस्पॉट एरियाज है वहाँ पर जाके टेस्ट्स करने हैं कंडक्ट करने हैं और टेस्ट कंडक्ट करने हैं वो प्लानिंग हो गया कि आज इतने टेस्ट होने ही चाहिए देन कंट्रोल्स हॉट स्पॉट एरिया में लोगों को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है पुलिस को कुछ भी हो जाए वहाँ से लोग बाहर नहीं निकलने चाहिए तो दे हैज टू बी प्रॉपर प्लान प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मैन मशीन मटीरियल मैथड मनी मार्केट मैन जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं हो सभी आ गए वहाँ पे मशीन Ma मशीन इन दिस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन दिस कोरोना का एग्जाम्पल आई कैन नॉट गिव एज सच एनी थिंग इन टर्म्स ऑफ मशीन बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग वट एवर मशीन्स वी आर हैविंग फॉर दिस पर्टिकुलर वायरस राइट टू कंडक्ट द टेस्ट अगर आपको पता हो तो कुछ किट्स गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है विच वॉज लिमिटेड तो काफ़ी सारे एन जी ओज हेल्प में आ गए और उन लोगों ने प्रोवाइड किया सो so, फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क घर पे बना रहे हैं तो दे आर यूटिलाइजिंग द मटीरियल्स एज वेल काम कर रहे हैं सब लोग घर पे बैठ के भी कि नहीं नहीं हम गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे मैथड इन अ प्रॉपर वे इन प्रॉपर मैथड पहले ये एरिया कंडक्ट करना है टेस्ट देन दूसरा एरिया देन तीसरा एरिया प्रॉपर मैथड में गवर्नमेंट वर्क कर रही है अगर गवर्नमेंट हैफेज मैनर में वर्क करती तो वी माइट हैव नॉट बिन इन अ सेफर जोन दैट वी आर इन एक्चुअली एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड देन मनी पैसों का यूटिलाइजेशन तो गवर्नमेंट कर ही रही है एज वेल एज देर आर पीपल हु आर प्रोवाइडिंग सो मच डोनेशन टू द पी एम फंड द ओनली रिजन इज कि काफ़ी सारे लोग हुर प्रॉपर प्रॉपरली रिच तो उन लोगों पता है कि हमें अपनी जो भी प्रॉपर्टी है पैसे है वो इस कॉज में यूटिलाइज करने चाहिए तो वो सभी लोग कर रहे हैं ऐसा काम करेक्ट मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड मार्केट मार्केट हियर पर्टिकुलर इन कोविड नाइन्टीन केस आई कैन नॉट से सो इन बिजनेस टर्म्स इन डोमिनोज वाला केस वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो राइट इट प्रोवाइड लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डायरेक्शन डायरेक्शन में प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहा है ना सब कुछ सबका एक लीडर एरिया वाइज है जो सबको गाइड कर रहा है राइट टू ह्यूमन एफर्ट्स सबके एफर्ट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव विच हेल्प टू अचीव द टारगेट ऑफ स्प्रेडिंग दिस वायरस सो बाई टेकिंग दिस एग्ज़ैम्पल वी हैव अंडरस्टूड दिस थ्री डेफिनेशन इन अ वेरी ईजी वे आपको बहुत अच्छे से या ये याद रह जाएगा और आपको याद रखने की आई मीन रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यू कैन डेफिनेटली राइट दिस अलॉन्ग विथ मी हाँ वॉट एवर एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अगले दिन जो याद रहने वाला है वो एग्ज़ाम्पल्स है और मैं आपको जो क्विक रिविजन्स दूंगी वो रिविजन्स में आई एल बी गिविंग यू द एग्ज़ाम्पल्स हम लिखे चलो हमने ये पढ़ा था तो इसमें ये आएगा और ये एग्जाम्पल के हेल्प से अब आप खुद से जब पढ़ोगे ये डेफिनेशंस अब जब आप खुद से ये डेफिनेशन याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा ओनली रीजन इज वी हैव अंडरस्टूड इट विथ अ वेरी गुड एग्जाम्पल राइट सो आई होप यू आर क्लियर विथ दिस थ्री डेफिनेशंस हम लोगों ने ये तीनों डेफिनेशंस पढ़ ली है दैट इज कु एंड ऑर्डोनल Livingston and George R. Terry, these three definitions we are clear with. Now in our next session, we will be understanding the nature of management and everything from that. Hamlukske detail me up next classenge, We are done with the definition part. I hope you are clear with the meaning of the same. Thank you.